यहाँ मियाँ तुम हमको हैदराबाद बुलाया, चार मीनार नहीं दिखा रहा है, पीछे कुछ और चार घोड़ा दिखा रहा है, और हमने मैरून कलर का गाड़ी मांगा, हमको काला गाड़ी दिया, और हम ये भी समझा कि टोयोटा कैमरी जो ये वाला हाइब्रिड है ये दो कलर में आता है, दो ब्लैक आता है मियाँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो देखते कैसा है गाड़ी, मैरून कलर तो मिला नहीं, आज हम इसे ही काम चला लेंगे, चलिए चला के देखते हैं इस गाड़ी को, आप देखते रहिए क्योंकि आज मैं आपको सारा डिटेल देगा, तो शुरू करते हैं मियाँ। टोयोटा कैमरी जो है अब न्यू जनरेशन आ गया है इस गाड़ी का, और ये एक न्यू प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है विच इज़ TNGA विच इज़ टोयोटा न्यू जनरेशन आर्किटेक्चर। अब ये गाड़ी जो है पहले से ज़्यादा लंबी हो गई है और चौड़ी हो गई है, इन दो कारणों की वजह से द कार वुड बी मोर स्पेशियस ऑन द इनसाइड, पर वो पार्ट हम बाद में जाएंगे, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इसका डिज़ाइन कैसा है। पहले से ज़्यादा अग्रेसिव लुक हो गया है इस गाड़ी का, और इसका जो ग्रिल है वो ज़्यादा थिक नहीं है, पतला है। हाउएवर जो बम्पर पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसकी वजह से इसका फ्रंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है। इसके हेडलैम्प्स भी अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ आप देखेंगे कि तीन ऐसे लाइट्स दिए हुए हैं, LEDs डे टाइम रनिंग लाइट्स, और साथ में आपको वाइट कलर की प्रोजेक्टर्स भी दिए हुए हैं। वहीं जब आप इसका साइड प्रोफाइल देखेंगे ना, यहाँ आप नोटिस करेंगे कि इसकी लेंथ डेफिनेटली बढ़ गई है, और ये थोड़ी ज़्यादा लो बैठती है देन बिफोर। इसमें अभी भी आपको 18 इंच व्हील्स आते हैं, 235/45 R18। अब जब आप इस गाड़ी का रियर एंड देखते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली दूसरी गाड़ियों का जो रूफ लाइन रहता है स्पोर्टी बनाने के लिए, वो उसे ऑलमोस्ट यहाँ से काट देते हैं। अब इससे डिसएडवांटेज क्या होता है, आपको हेडरूम कम मिलता है, और यहाँ पे इन्होंने इसको थोड़ा स्लोप किया है और ये सडनली एक स्टीप हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हेडरूम ज़्यादा बेहतर मिलता है। वहीं जब आप इस गाड़ी का टेल लैम्प देखते हैं ना, तो पुरानी कैमरी की टेल लैम्प वॉज ओके, मतलब आज की तारीख में इट लुक्स आउटडेटेड, बट दिस वन इट लुक्स मच बेटर, क्योंकि ये टेल लैम्प को पुल किया गया है, स्लीक लुक दिया हुआ है, जिसकी वजह से इट डज स्टैंड आउट इन इट्स डिज़ाइन, और ये कहीं ना कहीं आपको ES 300H की याद दिलाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं आपको लिंक भेज सकता हूँ, या ऊपर आई बटन पे लिंक छोड़ दूंगा, जस्ट चेक इट आउट। लेक्सस ES 300 सेम प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है गाड़ी, बट देयर इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। इसको साथ में दो चीज़ें और है, यहाँ पे कैमरी का बैजिंग मिल जाता है इसको, एंड जो बूट पे स्पॉइलर, इट्स नॉट एक्चुअली अ स्पॉइलर मैं इसको कहूँगा, पर यहाँ पे आपको एक अच्छा सा इंटीग्रेशन दिया हुआ है जिससे थोड़ा स्पोर्टी लग रहा है फॉर श्योर इन डिज़ाइन। तो भले ही ये एक एग्जीक्यूटिव कार है, बट इन डिज़ाइन इट हैज़ सीन अ मेजर जंप, और अगर आपको कुछ रेडिकल चाहिए इन लुक्स, दिस कैन बी अ चॉइस। अब आपने ऑलरेडी देख लिया गाड़ी का एक्सटीरियर, अब चलते हैं कार के अंदर। चलिए आ गए हम गाड़ी के अंदर अभी, और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इसको ऑल न्यू डैशबोर्ड दिया हुआ है। चलिए कंपैरिजन नहीं करते पुरानी गाड़ी से, बट जनरली ये डैशबोर्ड काफ़ी बढ़िया लग रहा है, खास करके इसको ब्लैक, पियानो ब्लैक, और साथ में आपको वाइट दिया हुआ है, एक्चुअली इट्स नॉट बेज, मोर ऑफ वाइट कलर इसको दिया हुआ है, जिससे काफ़ी एरी और स्पेशियस फील होता है। इस गाड़ी में आपको काफ़ी बढ़िया सीट्स मिलते हैं, सीट्स का जो साइड सपोर्ट है बहुत अच्छा है, साथ में आपको जो लंबर है दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ, और उसको आप चेंज कर सकते हो एज़ पर योर नीड। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है इस गाड़ी में, साथ में ये सीट एंड दिस सीट, नॉर्मली सिर्फ ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है, पर इसमें आपको दोनों सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, और अगर आप पीछे बैठ रहे तो आप एक बटन से ही ये सीट आगे या पीछे ले सकते हो क्वाइट ईजिली, ताकि पीछे आपको स्पेस इंक्रीज हो सके। तो ये था इसका फ्रंट सीटिंग पॉस्चर। अगर आप इस गाड़ी में बैठ रहे हो स्पेसिफिकली फॉर चलाने, तो आपका स्टीयरिंग व्हील भी इलेक्ट्रिकली कंट्रोल किया जा सकता है, और देखिए अगर मैं प्रेस करता हूँ बटन, तो नॉर्मली ये जो स्टीयरिंग है ना ऊपर चला जाता है जब बंद करते हैं, और जब मैं चालू करूँगा तो स्टीयरिंग नीचे आता है, तो जब ये बंद रहता है ये ऊपर चला जाएगा, और आपको उतरने चढ़ने में बहुत आसानी होगी। दूसरी जो और एक्सपेंसिव लग्जरी कार जाती है, उसमें सीट भी पीछे जाती है, बट नॉट इन दिस केस। इसमें आपको मेमोरी ऑप्शन मिलता है, दो ऑप्शंस है, एक नहीं, क्योंकि एक्चुअली पहले जब मैं बैठा था इस गाड़ी में मुझे मेमोरी बटन दिखा नहीं, देन आई रियलाइज कि इसका मेमोरी बटन नीचे सीट पे नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है ऑन द डोर। इसमें आपको टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है, जो फाइनली बहुत बढ़िया है।
टोयोटा में मेरी हमेशा से कंप्लेन रही है, यारिस, इनोवा, फॉर्चुनर, सब में, इवन करोला, जो उसकी टच स्क्रीन है ना, इज़ वेरी बेसिक, और इसकी वजह से उसको यूज़ करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता. इट डजेंट फील मॉडर्न एंड फ्रेश, पर ये वाला डज फील वेरी नाइस. और साथ में जो इसको पियानो ब्लैक फिनिश दिया हुआ है विद दीज बटन्स, बहुत अच्छा लग रहा है ये. और यूजेज भी काफ़ी अच्छा है इसका, रिवर्स कैमरा इज़ ऑल्सो गुड टू यूज़, एंड साथ में आपको 3-zone क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, यानी कि लेफ्ट राइट दोनों में क्लाइमेट अलग आएगा, एंड बैक पीछे भी क्लाइमेट आप डिफरेंट कंट्रोल कर सकते हैं. तो इधर 20 डिग्री, 25 डिग्री, 26 डिग्री, जैसा आपको टेम्परेचर चाहिए उतना आप कंट्रोल कर सकते हैं. और बैठने में मुझे बहुत अच्छा लगा. इसको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं जो थोड़े अंदर है, बट आई थिंक इट्स ओके. मेरे हिसाब से पैडल शिफ्टर्स जो मुझे पसंद है वो थोड़े और बड़े होने चाहिए, एंड दैट शुड बी लिटिल मोर क्लोजर टू द व्हील रादर देन थोड़ा इनसाइड. इसमें आपको स्टोरेज स्पेसेस भी काफ़ी है गाड़ी में. आपको दो बॉटल होल्डर्स मिलते हैं डोर पैड्स में, यहाँ पे दो कप होल्डर्स है, वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है इस गाड़ी को, साथ में आपको मिलता है स्टोरेज अंडरनीथ यहाँ पे, एंड एट द सेम टाइम आपको वेंटिलेटेड सीट्स है पर केवल फ्रंट पैसेंजर्स के लिए. टोयोटा में फाइनली, जी हाँ दोस्तों, फाइनली पहली टोयोटा है इंडिया में इन दिस प्राइस पॉइंट ऑफ 40-45 लाख टू गेट अ मूनरूफ. तो ये पहली बार हो गया टोयोटा में, एंड आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. और अब हम जाते हैं बैक सीट में, लेकिन उससे पहले सेफ्टी. इसमें आपको 9 एयरबैग्स आते हैं, ABS प्लस EBD भी आता है, होल्ड भी आता है, ऑटो होल्ड यहाँ पे, विच मेक्स थिंग्स अलॉट मोर इजियर. एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, इसका म्यूज़िक सिस्टम. इस गाड़ी में आपको मिलता है 9 स्पीकर JBL सिस्टम विथ, लिसन टू द म्यूज़िक, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, अभी मैं म्यूज़िक बजाता हूँ ज़रा अपने फ़ोन से. तो म्यूज़िक बहुत अच्छा साउंड करता है इस गाड़ी में, एंड ये एक एरिया था जहाँ पे टोयोटा ने फोकस नहीं किया था अभी तक, और दूसरे प्लेयर्स इसमें ऑलरेडी आगे जा चुके हैं. सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट स्टेप बाय टोयोटा. अब जाते हैं हम गाड़ी की बैक सीट में टू अंडरस्टैंड व्हाट स्पेस इज़ देयर फॉर रियर पैसेंजर्स. रियर सीट स्पेस इस गाड़ी की बहुत अच्छी है. जैसे मैंने आपको पहले बाहर दिखाया था कि एक्सटीरियर में हेडरूम ज़्यादा है, सो इट्स अ लिटिल बिट बेटर, क्योंकि अगर वो और थोड़ा टाइट होता तो मेरा सर टकरा जाता था फॉर श्योर. इस गाड़ी में आपको काफ़ी सारे गिमिक्स दिए हुए हैं एट द बैक, एक एक पे आएंगे हम. पहले पीछे रियर एसी वेंट्स दिए हुए हैं, और अगर आपको याद होगा हमने यारिस में बताया था कि इसमें पीछे दो 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट दिए रादर देन यू नो USB चार्जिंग पॉइंट. इस गाड़ी में दो USB चार्जिंग पॉइंट दिए, विच इज़ वेरी स्मार्ट. साथ में आपको सन ब्लाइंड मिलता है यहाँ पे, एट द सेम टाइम यहाँ पे कप होल्डर, ये आर्मरेस्ट खुलता नहीं है यहाँ पे, इट जस्ट स्लाइड्स ओपन. और इधर एक बटन मिलता है, वो प्रेस करेंगे तो आपको फुल स्क्रीन आ जाता है, और उससे आप दूसरे एस्पेक्ट्स कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे ये सीट आगे ले रहा हूँ मैं, सीट को फिर रिक्लाइन दे रहा हूँ, एंड आप आगे जो म्यूज़िक सिस्टम है उसका ट्यूनिंग यहाँ से पीछे बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं. साथ में आपको शेड है पीछे ब्लाइंड, देखिए, तो ये इलेक्ट्रिकली खुलता और बंद होता है. तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है गाड़ी में. पीछे की सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, आगे की सीट से आप थोड़ा ऊंचा बैठते हो, और आपकी सीट को ना थोड़ा ऐसा रिक्लाइन है जिसकी वजह से आपको डिसेंट इनफ थाई सपोर्ट है, तो लॉन्ग ट्रिप्स पे आपको इतनी आसानी से थकावट नहीं महसूस होगी. अगर आप इस गाड़ी का बूट खोलते हैं तो पहली चीज़ आप यहाँ हाथ डालेंगे, बट एक्चुअली इसका बूट यहाँ से खुलता है, और अंदर स्टोरेज स्पेस काफ़ी है, ईजीली आप बहुत सारा सामान भर सकते हो, और इसका जो स्पेयर टायर आता है That is also a full size. एक चीज़ और अच्छी लगी मुझे इसकी, ये कि आप अंदर बैठ के इसका बूट एक्सेस करते हो with a lot of ease. तो ये इसके प्लस पॉइंट्स है. अब चला के देखते हैं इस गाड़ी को, हाउ गुड इज इट टू ड्राइव. चलिए, तो टोयोटा कैमरी की चाबी कुछ ऐसे दिखती है, नथिंग वेरी स्टाइलिश, इनफैक्ट बहुत बेसिक लगती है. सो कीपिंग द की, स्टार्ट किया गाड़ी को, और AC कम कर दिया, कुछ आवाज़ नहीं है, इट्स पिन ड्रॉप साइलेंस, बट गाड़ी चालू हो चुकी है. और मैंने इसको डाल दिया ड्राइव में, और हम चल दिए. इसमें आपको मिलता है 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन, जो बनाया गया है फॉर बेटर
फ्यूल एफिशिएंसी। ये गाड़ी में आपको इलेक्ट्रिक मोटर भी आता है। अब इलेक्ट्रिक मोटर का क्या काम है, इलेक्ट्रिक मोटर जो है सेंटर में, और जो बैटरी है, बैटरी पैक इज़ राइट इन द बूट, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो जनरली चलता रहता है दिन में। अब मान लीजिए अगर आप सिटी ट्रैफिक में चल रहे हैं और आपके पास काफ़ी ज़्यादा बैटरी पावर बाकी है, तो बैटरी पावर पे ही आप सिटी में चलते हैं, अनलेस आपका बैटरी लो हो गया है या फिर आपको थोड़ा हार्ड एक्सेलरेशन चाहिए। तो इसकी वजह से अगर आप सिटी में चलाएंगे तो आपको अच्छी माइलेज मिलती है, 13-15 किलोमीटर्स तो आपको आराम से मिल जाएगा माइलेज, स्पेसिफिकली अगर आपकी बैटरी इज चार्ज्ड, ठीक है। लेट्स नॉट गेट इनटू पावर फिगर्स क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे आपके लिए, बट द ईज ऑफ ड्राइविंग ऑफ दिस कार इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अगर आप सिटी में चला रहे हैं, यू वुड बी वेरी रिलैक्स टू ड्राइव इट। आपको बॉनेट नहीं दिखता बिकॉज द बॉनेट इज ह्यूज, प्लस थोड़ा टेपरिंग डाउनवर्ड्स है, तो यू विल नॉट बी एबल टू सी दैट। पर जो चीज़ आपको पसंद आएगी वो है ईज ऑफ ड्राइविंग फैक्टर। और अगर आप हाईवे पे जाते हैं तो यू हैव थ्री मोड्स टू ड्राइव। वन इज ईको जो सिटी में है फॉर बेटर माइलेज, सेकंड इज़ द नॉर्मल मोड जो आपकी नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशंस के लिए, थर्ड इज़ द स्पोर्ट। अब इलेक्ट्रिक मोटर का सबसे बड़ा एडवांटेज है इंस्टेंट पावर, यानी कि जो पेट्रोल गाड़ियाँ आती है उसमें आपको थोड़ा स्ट्रगल होता है टू गेट द पावर, क्योंकि वो जब अपने स्वीट स्पॉट में आती है तब पावर देती है। पर क्योंकि इसको इलेक्ट्रिक मोटर भी है, इट जस्ट गोज़ फॉर इट, और आपको तुरंत ही अच्छा एक्सेलरेशन मिलता है। और जो इसका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर के साथ साथ जो इसका ट्रांसमिशन है वो भी काफ़ी उम्दा है। इसकी वजह से अगर आप चलाएंगे ये गाड़ी, आपको चलाने में भी मज़ा आएगा क्योंकि आपको वो इंस्टेंट पुश मिलता है इस गाड़ी में। अब देखिए, एज अ प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी थी हमेशा से कैमरी। इसका मेन डिसअपॉइंटिंग फैक्टर दो एस्पेक्ट्स थे, एक इसमें आपको फीचर्स कम थे, साथ में दूसरा था जो इसका इंटीरियर था, इट डिडंट मेक यू फील वेरी स्पेशल एंड हैप्पी। तो ये चीज़ों को एड्रेस किया गया है एंड नाउ द कैमरी सीम्स टू बी अ गुड बेट। अब सवाल ये उठता है कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं और इसकी प्राइस कितनी है, तो बताते हैं हम आपको अभी। तो मियाँ, ये गाड़ी का साइज बढ़ गया, अंदर फीचर बढ़ गया, लेकिन प्राइस नको चेंज नहीं हुआ, और इस वजह से ये अभी भी बहुत अच्छा पैकेज है। तो अगर शॉर्ट में कहूँ मैं इसको, तो ये गाड़ी अभी भी बहुत अच्छी है। जो पुरानी कैमरी थी जो प्राइस पॉइंट पे आती थी, सेम प्राइस पॉइंट पे दे आर ऑफरिंग दिस कार, तो इस वजह से इट बिकम्स अ ग्रेट चॉइस आपके लिए अगर आपको लेनी है एक ऑल न्यू कार, स्पेसिफिकली लग्जूरियस विथ वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चन ऑन इट। सो इन ऑल इन शॉर्ट, इट्स अ ग्रेट पैकेज अगर आपको एक गाड़ी लेनी है, और मियाँ ये बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, तो इस वजह से इट्स अ रिकमेंडेड चॉइस। अगर आपको 40-45 लाख तक ऑन रोड कोई गाड़ी चाहिए विच हैज़ गुड माइलेज, स्पेस, क्वालिटी, देन दिस बिकम्स अ ग्रेट चॉइस फॉर यू। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, इसे तुरंत ही लाइक कर लीजिए एंड शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स। और हाँ, सब्सक्राइब तो कर लीजिए भैया, क्योंकि हम 9 लाख सब्सक्राइबर पहुँच गया, और मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ।